इस वक्त बड़ी खबर देहरादून से हमारे पास है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बंपर तबादले हो गए। वहां प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी को पद से हटा दिया गया। विनोद सिंघल को उत्तराखंड वन प्रमुख संरक्षक बनाया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 34 फॉरेस्ट ऑफिसर के तबादले हुए हैं, बंपर तबादले। फोनलाइन पर है ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी। अजीत, क्या कारण बताया जा रहा है इन बंपर ट्रांसफर्स के पीछे का? राजन, देखिए, अगर हम इन तबादलों पर गौर करते हैं तो बाकी जो तबादले हैं वो हम उनको सामान्य तौर पर देख सकते हैं कि वो सामान्य तबादले, चुनाव से पहले सरकार ने कुछ तबादले किए हैं ताकि आचार संहिता के बाद ऐसी स्थिति ना बने कि किसी को हटाना पड़े, तो वो सामान्य तबादले। लेकिन एक ही इसमें खास तबादला है जो प्रमुख वन संरक्षक को उसके पद से हटाया जाना। प्रमुख वन संरक्षक जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, और वो पूरा वन विभाग का मुखिया होता है, और उसको यहाँ पर आज हटा दिया गया है अचानक, और बीच उसके टेन्योर के बीच में ही हटा दिया गया है, क्योंकि ये रैंक जो है मुख्य सचिव के बराबर होती है और इस पर बहुत सीनियर आईएफएस आसीन होते हैं जो सीनियर मोस्ट होता है। राजीव भरतरी सीनियर मोस्ट थे, अभी तक ऐसा कोई मामला भी नहीं आया कि उसके खिलाफ कोई जांच हुई हो, और बीच टेन्योर में शायद पहले ये ऐसे पीसीसीएस होंगे, ऐसे प्रमुख वन संरक्षक होंगे उत्तराखंड के जिनको बीच टेन्योर में हटा दिया गया है। और विनोद सिंघल जो जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष थे उनको इनकी जगह डिप्यूट किया गया है, अब वो प्रमुख वन संरक्षक होंगे, यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे, हेड ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होंगे। लेकिन इस फैसले को लेकर काफी चीजें उठ रही है, सरकार की एक फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं कि बीच टेन्योर में किसी को हटा देना, ये इसके पीछे की कोई क्या खास वजह हो सकती है, क्या कोई शिकायत है या कोई जांच है या क्या किस तरह की बात का मामला सामने आ सकता है, सरकार के आखिर क्या छुपा रही है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो इसलिए इसको इस नजरिए देखा जाना बेहद जरूरी हो जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी।